गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जैसा कि आप देख सकते हैं इट्स 5:39 इन द मॉर्निंग और टेम्परेचर इज़ -7। सो बहुत ज़्यादा ठंड है। सोचा था 5:30 बजे उठ जाएंगे लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड होने की वजह से अभी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं चोपता में हूँ, तो ये जो है वो यहाँ का व्यू है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मेरी आंखों के सामने। इतना बेहतरीन यहाँ का व्यू है। तो सुबह होने के बाद समझ में आया, रात में तो उतना समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि रात में हम लोग बस वहाँ से आए और रूम में गए और सो गए सीधा क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। घर से हमको ट्रैकिंग करनी है। सो देखते हैं कि कितनी जल्दी निकलते हैं। अभी पानी के लिए बोला है तो उन्होंने बोला कि बस 5-10 मिनट में हम आपको गर्म पानी दे देंगे, जो कि एक बाल्टी का पर प्राइस शायद 50 रुपीज़ है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, ऑलमोस्ट 1 और 2 होगा इस टाइम पर। रात में जब मैं निकला था 5:30 के अराउंड तो उस टाइम पर -7 था। सो अब काफ़ी ठीक लग रहा है और अभी सनराइज़ होने के बाद और ज़्यादा मौसम ठीक हो जाएगा, देन उतना इशू नहीं होगा। की तरफ यहाँ भी होम स्टे थे लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा प्राइस ज़्यादा होगा। और यहाँ जूते हर जगह मिल रहे हैं। विशाल विशाल। सो बहुत भयंकर ठंड है और मज़ा तो आ रहा है लेकिन अभी तो स्टार्टिंग ही है। बैग वैग सब पैक करके ऊपर रख के आ गए हैं वहाँ पर रेस्टोरेंट में। और जैसे यहाँ से जाएंगे उठा के अपना निकल लेंगे। जैसे जैसे ऊपर आएंगे वैसे वैसे ठंडी हवा और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है और रास्तों पे बर्फ़ मिल रही है, थोड़ी सी फिसलन है तो मज़ा आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए। यहाँ पीछे आप देख पा रहे होंगे बर्फ़ ही बर्फ़ है और ज़्यादा जैसे ऊपर जाएंगे बर्फ़ मिलेगी। और व्यू देखिए, तो ये व्यू है। जब इस टाइप के रास्ते आते हैं तो बहुत इशू होता है चलने में, चाहे आपने कैसे भी जूते पहने हो, नो मैटर इशू होता है। तो आपको बहुत धीरे धीरे पहले एक पैर जमाना है, देन एक पैर उठाना है, देन एक पैर जमाना है, देन एक पैर उठाना है। इतनी देर की मशक्क़त और मेहनत के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं टुंगनाथ। भाई अभी नीचे है, बहुत ज़्यादा थक गया था क्योंकि उसका वेट मेरे से बहुत ज़्यादा है और उतना फिज़िकली एक्टिव नहीं है। मैं भी उतना नहीं हूँ बट उससे बहुत ज़्यादा हूँ। सो मैं ऊपर आ गया हूँ, वो भी नीचे ही धीरे धीरे करके आ रहा है। होप कि 10-15 मिनट में वो भी आ जाएगा। मैं ऊपर जाता हूँ और जैसा भी रहेगा फिर उससे आएगा, उसके साथ नीचे जाएँगे। अभी ऑलमोस्ट 11:30 हो रहा है। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी नीचे जाके रिटर्न होने की। महादेव के मंदिर के पास पार्वती मंदिर, और इधर जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा भैरव मंदिर। ओए 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 ओए। तो फाइनली अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ, और हुआ ये कि जब मैं टुंगनाथ पहुंचा तो मैंने देखा कि उससे ऊपर की चढ़ाई और भी ज़्यादा टफ़ है, बिकॉज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। और मेरे जो जूते हैं वो मैंने अभी लिए थे, तो उसकी वजह से उनका सोल जो है वो बहुत ज़्यादा टफ़ है, और उसकी वजह से जब भी वो बर्फ़ पे पैर पड़ता है तो बहुत तेज़ी से फिसलता है। मुझे आने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई, इसीलिए मैं यहाँ से शॉर्टकट ऑफ रोड वाला रास्ता दे रहा हूँ इंस्टेड ऑफ इस टाइप का रास्ता। सो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना रिटर्न चला जाए और इतना ही छोड़ दिया जाए, नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे देन देखेंगे। सो अभी मैं टुंगनाथ से नीचे उतर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 50% उतर चुका हूँ, और भाई जो है वो पीछे है। सो भाई अपना नॉर्मल रास्ते से आ रहा है क्योंकि उसके जूते परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी टफ़ होगी, सोचा था इतनी टफ़ नहीं होगी, लेकिन काफ़ी टफ़ होगी। बट कोई बात नहीं, अभी तो दिन बाकी है और अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ करना है। अभी राइड बैक करके जाना है, अभी जाके नीचे खाना वाना खा के निकलना है। आपको दिख रहा होगा वो जो पॉइंट दिख रहा है आपको ना, वहाँ से ऐसे करके फिर मैं नीचे यहाँ से ऐसे आया हूँ, और फिर इधर से अब इसी रास्ते पे ज्वाइन कर लूँगा। कि ये जो जितनी भी श्रृंखलाएँ हैं वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, टुंगनाथ, ये एक साथ है। जैसे अभी आप ऊपर देख के कि टुंगनाथ है, वो बद्रीनाथ है, और वो केदारनाथ।